भाई दो तरीके की लड़ाई होती है, एक कलम की लड़ाई और एक अपना हथियार की लड़ाई। कई लोगों को ग्रामर पसंद है, कई लोगों को ओरिजिनल पत्रकारिता पसंद है। ये देखिए सेल्फी, देखिए एसपी साहब की सेल्फी हमारे साथ। लेकिन आज की दुनिया ऐसा हो गया कि ग्लैमरस एंकर मतलब वो फाउंडेशन की भी कई लेयर लगाए रहती है। देखिए पत्रकारिता का मतलब अगर आप उसके संदर्भ में जाना चाहें, और उसके बहुत सारे संदर्भ हैं, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन का काम होता है पत्रकारिता, काफ़ी कुछ समझना होता है, काफ़ी कुछ समझाना होता है, उसके लिए बहुत सी मेहनत भी लगती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, उस दिवस की हम आपको शुभकामना देते हैं और ये कामना करते हैं कि एक पत्रकार हमेशा सदा अपना धर्म निभाए, सदा समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए और किसी गरीब या मुफलिस के लिए हमेशा आवाज उठाता रहे। और कोशिश ये रहेगी कि पत्रकारिता को कई नज़रियों से समझा जा सकता है। जैसे कि हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं तो जो समाज को देखते हैं उस आधार पे जो महसूस कर पाते हैं उन बातों को लिख डालते हैं, और उन बातों को लिखने के बाद में हमारा एक ऑडिटोरियल सेक्शन होता है, जहाँ हो सकता है आप में से बहुत लोग उस सेक्शन को नहीं जानते होंगे या उसकी थोड़ी सी जानकारी कम रखते होंगे। तो कैमरामैन भी एक प्रकार का पत्रकार रहता है, लिखने वाला तो होता ही है, कैमरामैन जो विजुअल बनाए वो भी एक पत्रकार होता है, और विजुअल और जो लिखा हुआ है उसकी एडिटिंग करना और अपनी समझदारी से उन विजुअल्स को लगाना जो विजुअल्स काफ़ी प्रभाव डाल सकते हैं, तो ये एक एडिटर का काम होता है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे यहाँ मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ नेहा सोनी से। नेहा सोनी कौन है? नेहा सोनी बहुत कम उम्र की बच्ची सी लड़की हैं और हमारे यहाँ एडिटिंग का काम करती हैं। एडिटिंग कैसे करती हैं? जो भी हम खबरें लेकर आते हैं, खबरें लाकर इनको दे जाते हैं कि आप इन्हें एडिट कर दें, और उसके बाद में ये विजुअल्स लगाकर उसमें बाइक लगाकर उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ भी इनका IQ लेवल जो है हाई लेवल पे, तो उन्होंने इस तरह से अब तक काम किया है कि अब तक हमको इनके खबरों में कभी भी जो एडिटिंग पार्ट है उसमें कभी भी कोई कमी बेसी नहीं लगी और हम उसको कभी री एडिट कभी नहीं करवाए हैं। तो नेहा कैसे आई थी इस लाइन में? पहले मैं नॉर्मली वीडियोस एडिट करती थी या ग्राफिक डिजाइनिंग करती थी पहले। तो एक्चुअली मेरा मेन वर्क ग्राफिक डिजाइनिंग का ही है, मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन साथ साथ में मेरे को एडिटिंग थोड़ा बहुत समझ में आता है, सेंस में कर लेती हूँ साथ में। मतलब जैसे एक पत्रकार, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि एक पत्रकार बहुत कुछ महसूस करता है, बहुत कुछ मतलब जो चीज़ों को देखता है उसको अपने दिमाग में नस्टर करता है और उन बातों को लिखता है और प्रेजेंटेशन करने की ये कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे उन जो पीड़ित हैं जिनकी आवाज़ हम उठा रहे हैं या शासन प्रशासन की अच्छी नीतियाँ या बुरी नीतियों के बारे में जब बता रहे हैं। तो जब एक एडिटर है और आप करती हैं इस काम को और उस जगह पे जिस लाइन को हम बोल रहे हैं उस लाइन के आधार पे उस जगह पे वो विजुअल पेश करना, जब हम मान लीजिए किसी मंत्री की बात करें तो मंत्री का विजुअल लगाना, किसी घटना दुर्घटना की बात करें तो उसको लगाना, ये जो IQ लेवल है ये डेवलप कैसे हुआ था? ऑब्जर्वेशन स्किल आई थिंक। जैसे मतलब डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो आपको विजुअलाइजेशन कोई भी चीज़ का अगर आप करते हो तो बेटर रहता है। अगर आप सिर्फ कोई कहानी बोलते रहोगे और बोलते रहोगे तो मेरे ख्याल से वो कहानी का आपको थोड़ा परसेंट ही आपको मतलब क्या बोलोगे मतलब वो चीज़ आप समझ पाओगे, लेकिन अगर वो कहानी का अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो चीज़ को आप देख सकते हो थोड़ी चीज़ जो आप बोल रहे हो, तो मेरे ख्याल से सामने वाले को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो वही है, वही ऑब्जर्वेशन स्किल है कि जो आप जब बोल रहे हो उस टाइप के चीज़ों को आप सामने लोगों को दिखाओगे तो उनको वो चीज़ ज़्यादा ईजी होगा इमेजिनेशन करने के लिए, क्योंकि देखी चीज़ें तो हमने वो तो सिर्फ हमारे द्वारा देख रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं जैसा जो भी देख रहे हैं। तो वही है एक्चुअल में, जैसे हम लोग और मैं आप और मैं अपनी जैसे अपन बात करते हैं, हम लोग जैसे ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं और वहाँ चीजों को देखते हैं प्रैक्टिकली समझना, और जैसे एडिटिंग होती है वो बंद कमरे में होती है। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आप गाड़ी चलाते यहाँ से घर जा रही हो और किसी घटना या दुर्घटना को अपने आँख के सामने देख रही हूँ या किसी नेता का पोस्टर देख रही हूँ उसके आधार पे सड़क बनी कि नहीं बनी है उन चीजों को भी नश्चर करती हूँ? क्योंकि वही है मतलब कई चीजें ऐसी होती है जरूरी नहीं है समझ में आती है, लेकिन क्या है जैसे कोई भी कैमरा पर्सन अपने जाते हैं वो आके एक बार ब्रीफ दे देते हैं ऐसा ऐसा हुआ था ऐसा ऐसा हुआ था, तो क्या अपने आप एक स्टोरी मूड बोर्ड बन जाता है अपने दिमाग में कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, अगर ऐसा ऐसा हुआ स्टोरी उसके हिसाब से तो विजुअल भी उसी के हिसाब से, तो वो अपने को ढूंढना रहता है, हो गया और कुछ नहीं। जीवन जैसे बहुत सारे पड़ावों की ओर मुड़ जाता है, हर हर इंसान जो चाहता है
जैसे मैं कभी सोचता था कि मैं भारतीय सेना का हिस्सा बनूं, कभी उसमें ज्वाइन करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, किसी और लेन की तरफ मुड़ गया, व्यवसाय के लेन पे, उसके बाद पत्रकारिता लाइन में आ गया। वैसे ही आपके बारे में, आप एमबीए कर रही थी, बीबीए कर रही थी, बीबीए कर रही थी और उसके बाद अचानक से इस लाइन पे, इस लाइन पे अचानक से कैसे मोल्ड हुआ? बीबीए कर रही थी, ग्रेजुएशन होने के बाद क्या न्यू कंप्यूटर था उस समय, इंटरनेट नया नया आया था अपने छत्तीसगढ़ भिलाई जो भी बोलो, तो न्यू इंटरनेट रहता है तो इंसान वही क्यूरियस माइंड तो रहता ही है, तो सर्च करते थे इधर से उधर, तो ऐसा लगता था अरे यार ये कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो करते थे हम लोग, तो वो घर में पहले एडिटिंग करते थे, तो मेरे भैया ने देखा बोलते तुम लोग तो अच्छा एडिटिंग किया है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करते थे, तो फिर फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करी किसी और के लिए वर्क, थोड़ा बहुत छोटा मोटा वर्क करने के लिए, तो फिर यहाँ आई, तो फिर मुझे यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग का पता चला, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का फिर मैं करने लग गई, साथ साथ में फिर न्यूज का आया, तो वहाँ एडिटिंग करने के लिए, कि एडिटिंग वो हो सकता है मेरे पास सेंस था पहले से कि एक, क्योंकि मुझे समझ में आता था कि विजुअलाइजेशन कोई भी चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ बोलते रहोगे तो समझ में नहीं आता है, तो मैं भी जल्दी ग्रास्प हो गया इसलिए ये सीखना। जो पत्रकारिता जगत के लोग रहते हैं, जैसे हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बहुत कम, हमारे से कई दर्जे ऊंचे आला दर्जे के पत्रकार हैं जो समाज को एक परिष्कृत स्वरूप में बहुत समय से, मतलब हम लोग का तो समय बहुत बाद आया, बहुत समय से जब पत्रकारिता के जीवन की शुरुआत हुई थी अपने भारत में, 30 मई को भी मनाया जाएगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, और उसमें जो एक जो पत्रकार जो जिन्होंने अपनी लेखनी को प्रकाशित किया था सबसे पहली बार, उसका नाम बता रहा हूँ मैं, उदंत मार्तंड, मतलब उसका मतलब होता है कि उगता हुआ सूर्य, वो लगभग 1885 या 86 के आसपास उन्होंने इस अखबार को हिंदी पत्रकारिता में निकाला था, और उसके बाद उनकी ज्यादा, क्योंकि आर्थिक को उनको धन अर्जन होता नहीं था, तो 89 करीब के आसपास उनकी प्रतियां निकल पाई, और उस समय से वो लिखते थे, तो उस समय जो पुराने पत्रकार हैं एक भाव को संजोकर और एक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। आप भी इन चीजों को मेरे ख्याल से पढ़ती होंगी अखबारों में या और चीजों को, जो साहित्यिक किताबें हैं या फिर जो महानुभाव लोगों की बातें हैं उनको सुनती समझती होंगी। उस समय और आज के समय में क्या बदलाव देख पा रही हैं? जैसे उस समय एक अखबार निकलता था, आज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, विजुअल बेस्ड सारी चीजें ग्रो अप कर रही हैं, तो इन चीजों में जो आप एक अखबार रख लीजिए अपने बगल में और एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल रख लीजिए, तो उन चीजों में जो बदलाव की स्थिति हुई है उसको आपके नजर से क्या देखती हैं आप? मेरे को जैसा लगता है पहले जैसे पत्रकारिता थी, लोग मे भी हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जैसे उस समय था कि वो एज अ मतलब जॉब नहीं था, एज अ मतलब जॉब भी था लेकिन पहले पैशनेट लोग पहले जल्दी इंक्लूड हुए, है ना, तो वो उस चीज कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स थे समाज में, वो प्रॉब्लम के बारे में लिखना चाहते थे। हाँ, अब जो लोग आवाज नहीं उठा सक रहे, जिन लोगों को भाई दो तरीके की लड़ाई होती है, एक कलम की लड़ाई और एक अपना हथियार की लड़ाई, एक कलम की लड़ाई भी कोई भी वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, अब बोलते हैं पहले भी बोलते थे, हाँ, कलम की लड़ाई बहुत, हाँ, कलम की लड़ाई बहुत, जो कलम की लड़ाई है जो एक इंसानी दिमाग में असर करती है वो एक जनरेशन को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आप किसी चीज को अगर किसी को समझा रहे हो तो आप उस इंसान को विकसित कर रहे हो, है ना, उसका सोच जो है अगर हो सकता है वो दूसरे सोच का हो, आप उसको लगता है आपको कि वो नहीं, उसका सोच ये नहीं है, सही नहीं है, तो आप कलम के किसी को जबरदस्ती किसी की सोच नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ एक ऐसा हो सकता है कि कलम एक बहुत पावरफुल हथियार है जो आप बिना किसी को प्रॉब्लम में डाले किसी की सोच चेंज कर सकते हो, तो वो पहले इस तरीके से आई थिंक चालू किया गया था कि लोगों को अपने समाज का जो प्रॉब्लम है, जो लोग फिजिकली लड़ नहीं सकते, जो तो वो लोगों की सोच से अफेक्ट करना चाहते थे, अब ऐसा है डिजिटल में अभी भी है लेकिन अब ऐसा है थोड़ा सा लोग फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, उनको ऐसा है कि लोगों में जो एक तो ऐसा हम ह्यूमन जो माइंड रहता है वो नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है, तो डिजिटल वाला भी ऐसे हो गया कि अब डिजिटल में इतना डिजिटल हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई कि लोगों को वही है कि हमको अपना स्टोरी दिखाना है, तो वही है नेगेटिविटी ज्यादा भर गई है उसमें, वायरल कंटेंट उसी में, हाँ वायरल कंटेंट या व्यूज जो है वायरल कंटेंट सब 30 सेकंड का हो गया, 1 मिनट का हो गया, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको भाई अपना
अखबार चलाना है, उनको अपने पेज पे ट्रैफिक लाना है, तो वही है जो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करता है या तो फिर नेगेटिविटी या तो फिर जैसे आज वो डिबेट शो भी हो गया, जैसे कोई अपने शो का नाम महासंग्राम, कोई दंगल, कोई ताल ठोके, इस तरह से नाम भी रखते हैं। मतलब अब जब दंगल जैसा नाम रखेंगे तो वहाँ जो डिबेट होगी वो दंगली जैसा होता है, ऐसा लगता है जंगे मैदान में किसी एंकर ने बैठा दिया है। हाँ, वहाँ पर कोई दो सभ्य लोग दूसरे की बात सुनने के लिए नहीं आए, अपनी बात मनवाने के लिए आए हैं, ऐसा है। हाँ, सुनने के लिए नहीं कि हाँ भाई तुम भी सही हो सकते हो या तो मैं भी सही हो सकता हूँ। डिबेट यही होता है ना, आप डिबेट करते हो कि कोई कठिन टॉपिक है उसको समझने के लिए कि हाँ उस अगर मैं ये सोच का हूँ, अगर वो कुछ सही बोल रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंस हो, लेकिन वहाँ पर डिबेट नहीं होता, वहाँ पर आप अपनी बात मनवा रहे हो ऐसा लगता है। हाँ बस, हाँ जैसे पत्रकारिता का जो ड्रॉबैक है, जैसे जो हमारा तजुर्बा कहता है वो तो ड्रॉबैक बहुत सारे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो बाहर के फील्ड से जो समझ कर आता है और एक बंद कमरे में जो फील्ड उनकी रहती है, जैसे आपकी है, आप बंद कमरे में एडिटिंग करती हैं और उस जगह से उन चीजों को देखती हैं, समझ पाती हैं, तो पत्रकारिता में ड्रॉबैक कहाँ कहाँ पर दिखता है? ड्रॉबैक ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, दबी हुई ऐसा लगता है, बहुत 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 बहुत। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसा है कि उनको अपना बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस कैसे चलेगा, पैसे से आके, पैसे कहाँ से आएंगे भाई, पेड़ में तो उगने से हैं, स्पॉन्सरशिप से ही आते हैं, क्योंकि आप ये सर्विस बेस्ड कम चीज, ये जो करियर है सर्विस बेस्ड है, इसमें प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट को बेचते नहीं हो, ये एक सर्विस है, सर्विस दे रहे हो आप तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में ले रहा, तो आपको स्पॉन्सरशिप हो गया और बाकी सारे एडवर्टीजमेंट हो गए, इसी से आप बस कमाते हो। तो अगर आप कमा नहीं रहे हो तो आप पेट नहीं पाल पाओगे लोगों का, पेट नहीं पालोगे तो क्या पत्रकारिता कर पाओगे, मतलब क्योंकि और जब आप किसी कंपनी के प्रोफाइल या उसके नियमावली में नहीं उतरते हैं तो आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जैसे जर्नलिज्म में भी यही है कि पैशन चाहिए, इस लाइन में रहने के लिए आपको पैशन चाहिए, लेकिन एक टाइम आता है कि इंसान को ये भी चूज करना पड़ता है, पैशन या फिर क्या बोलते हैं अपना वर्क। पैशन में ग्लैमर वाला भी आ गया, ग्लैमर भी आ गया। पत्रकार थे, मतलब मेरे समय से, मैंने अभी भी कई हैं वैसे जो एक सिंपल सा कुर्ता पहन के आते थे, एक झोला ऐसे लटके रहता था साइड पे, उसमें कुछ पन्ने रहते थे और एक दो तीन कलम रहती थी, उनको लेकर वो हो सकता है गाड़ियां उनके पास ना रहती हो तो पैदल ही घूमते थे। लेकिन आज की दुनिया ऐसा हो गया कि ग्लैमरस एंकर, मतलब वो फाउंडेशन की भी कई लेयर लगाई रहती है, चैनलों में देखो ना तो फाउंडेशन की कई लेयर लगी रहती है, मतलब उसमें मैं लड़कियों को नहीं बोलता, हम लोग जैसे लोग भी हैं, तो एक उस तरह से प्रेजेंटेशन और उस तरह से उनको एक मतलब बूम आ रहा है, जैसे कि एंकर आ रहा है, मतलब कोई एकदम धमाका आ रहा है, तो उस तरह से भी एक म्यूजिक कंटेंट का भी है ना, वो उसमें पिरोया जाना, वो आप लोग भी करते हैं, पीछे म्यूजिक डालते हैं, हमारे भी जो न्यूज रहती है उसमें पीछे म्यूजिक डाल देते हैं। तो ये जो बदलाव है, ये जो आमने सामने दो लोगों को खड़े हुए हैं, ये किस तरह का बदलाव देख पाती है उसको? भैया मतलब न्यूज वाले दिखा वही रहे हैं जो जनता, ऐसा लगता था कि उस समय की एक भावनात्मक लड़ाई थी, एक विचारों की क्रांति थी, और आज ऐसा लगता है कि एक बिजनेस क्रांति, एक आगे प्रेजेंटेशन की क्रांति, वही क्योंकि पैशन जब तक ही फॉलो करता है जब तक कि आपके घर में खाना आ रहा है, खाना नहीं आ रहा है उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो फिर क्या करेगा इंसान, तो अब दिखाएगा भी वही जो जनता देखना चाहती है, अगर वो नहीं, अगर उनको टीआरपी नहीं आ रहा है तो वो जब नहीं चलाएंगे ज्यादातर, तो टीआरपी क्यों आ रहा है, लोग भी देख रहे हैं ना वो चीजों को, वो भी वही देख रहे हैं, अगर अच्छी एंकर है तो देख रहे हैं, अगर अच्छी एंकर नहीं होगी तो नहीं देख रहे, आई डोंट नो, ऐसा होता है क्योंकि भाई जो चीज दिखाए, जो चीज एक सिंपल बिजनेस फॉर्मूला रहता है, जो चीज का डिमांड होता है उस चीज की सप्लाई होती है, कोई भी चीज का सप्लाई पहले नहीं होता जब तक कि डिमांड नहीं होता, कोई चीज अगर मार्केट में जिसकी कमी है तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट उसका तोड़ निकालेगा, सिंपल सी बात है, तो इसमें भी वही है, मीडिया में भी वही है, अगर वैसी चीज की डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं ऐसा देखना है उनको, तो वो सप्लाई करेंगे क्योंकि फायदा उनका है, फायदा है ना, तो उनको टीआरपी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजों में उनको चाहिए, उनके व्यूज चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आप डिमांड नहीं करोगे, आप नहीं देखोगे, आप जैसा कंज्यूम करोगे आपको वैसा मिलेगा, आपको वैसे देंगे, वैसे ही फटाफट आपका कंटेंट चेंज होगा सामने वाले का, सिंपल सी बात है ऐसी। एक भागदौड़ भरी दुनिया में, मतलब जैसे हमारी भी बिरादरी में एक बाढ़ सी आ गई, मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जो अभी अभी अब कुछ काम नहीं है तो चलो पत्रकार बन जाते,
अब उन लोग का भी मोटो ये रहता है कि पत्रकार बनने से एक फायदा होता है कि हम एक ग्लैमरस रूप में जाने जाएंगे, और अगर ग्लैमरस रूप नहीं मिलता या कोई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता तो एक आई कार्ड मिल जाता है, आई कार्ड को दिखाते हैं किसी को भी तो चलान कटना बच जाता है, या किसी पत्रकार से किसी कलेक्टर की बातचीत होती है या एसपी से बात होती है तो वो बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि यार यहाँ पहचान तो मेरा पहचान नहीं थी, हम तो डायरेक्ट एसपी से बात करते हैं, ये देखिए सेल्फी, देखिए एसपी साहब की सेल्फी हमारे साथ। तो एक ये नजरिया भी है जिसमें बहुत से लोग लेखनी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इन तरह के जो दुनिया है उसमें ज्यादा प्रवेश कर रहे हैं, क्या सोचती हो आप? है मतलब सब टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब पैशनेट होके भी वर्क कर रहे हैं, कई लोग हैं सिर्फ जो उस चीज का जो पर्क्स आता है, जो जर्नलिज्म बनने का जो पर्क्स आता है उसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। लेकिन वही है, लॉन्ग टर्म में मेरे को नहीं लगता ये सारी चीजें काम करेगी, क्योंकि अगर आपको किसी स्पेशली जर्नलिज्म में अगर आप यहाँ टिकना है तो आपको उस फील्ड में मतलब जुझारू रहना पड़ेगा अगर सीधा बोलो तो, क्योंकि जो ग्लैमर वाला चीज है ना वो फास्ट फॉरवर्ड फास्ट फैशन है, ये सारी चीजें फास्ट चीजें चेंज होती हैं, तो आप या तो चेंज करते रहो, एक बार बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो या तो आप फास्ट चेंज करते रहो या तो फिर आप वो अपना जो मेन पत्रकारिता है वो करते रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई लोग जो सारे के सारे लोग बस यही देख रहे हैं, बहुत लोग है जो ओरिजिनल जो पत्रकारिता करते हैं लोग जर्नलिज्म करते हैं उनको भी बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों को भी ऐसा रहता है कि नहीं उन लोगों को देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को पता है क्या हो रहा है कैमरा के पीछे समझ में आता है, लेकिन वही आप दिखा रहे हैं सबको तो आप ट्रीट नहीं कर सकते, सारे इंसान इक्वल नहीं हो सकते, कई लोगों को ग्लैमर पसंद है, कई लोगों को ओरिजिनल पत्रकारिता पसंद है, ऐसा है, अब वो चॉइस है। इन्फ्लुएंस लेवल की जो पत्रकारिता है वैसे है कि अपने इंडिया में नहीं है, जैसे अपन फॉरेन का भी जो ऑर्गेनाइजेशन देखें, जैसे चाइना का अखबार है, अब चाइना का अखबार मतलब एक प्रकार का तालिबानी शासन है, वहाँ जो चाइना गवर्नमेंट बोलती है उसी खबर को वो छापता है, उसी खबर के हिसाब से एजेंडे तय होते हैं कि इंडिया के खिलाफ क्या लिखना है, अमेरिका के खिलाफ क्या लिखना है। वैसे अमेरिका का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, वो भी ये लिखता है जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के जो वार है उसमें क्योंकि वो नाटो देशों को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, तो वो चाहता है कि रशिया को कैसे भी उसके मोराल को डाउन करने के लिए किसी भी प्रकार की जो खबरें हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव है उनके जरिए प्रसारित कर दी जाए ताकि उसके एजेंडे चल जाए, उस देश के नाटो के एजेंडे चल जाए। तो इस तरह से भी मतलब विदेशों में भी एक प्रभाव है उसका, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही प्रभावित है या हमारे। डेफिनेटली ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करता है, क्योंकि अब ठीक है जो इंसान पावर में है, साइकोलॉजिकल वार ऐसा हो गया है, मतलब किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग पे या किसी देश के दिलो दिमाग पे असर करना ज्यादा बेटर है, और उसका मोरल अप कर दें या डाउन कर दें, क्योंकि आप फिजिकली किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जमाना गया जब आप फिजिकली किसी को कंट्रोल कर रहे हो, किसी को मेंटली टॉर्चर करके कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन एक चीज से आप इंसान को इजिली कंट्रोल कर सकते हो वो है माइंड को अफेक्ट करके, वो माइंड को अफेक्ट करके कहाँ से करेगा इंसान, घर में चीजें जो सुनते हैं वो सुनते हैं, लेकिन बाकी दूसरी चीजें कहाँ से सुनेंगे आप, इंटरनेट से, जो आपके आसपास के लोग नहीं बोलेंगे। तो वो उसमें दोनों चीजें हैं, आप या तो आपको ज्यादा अच्छा दिमाग भी आ सकता है, आप समझ सकते हो कि नहीं यार मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, और या भी ऐसा हो सकता है कि नहीं मतलब अपने ऊपर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, इंटरनेट में सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं बुरी चीजें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम करते हो इंटरनेट से। तो इस तरह से बोलना चाहिए कलम एक फूल सी होती है और फूल खुशबू ही प्रदान करती है, लेकिन और इसको इस नजरिए से भी समझा जा सकता है कि जैसे उम्र का तजुर्बे से कोई वास्ता नहीं होता, जैसे हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, फील्ड भी देखा है, और मैं लिटरली बताऊं मुझे कंप्यूटर की अभी तक ABCD ज्यादा पता नहीं है, और मैं सिर्फ देख सकता हूं, मुझे महसूस होता है कि ये विजुअल यहां लगने चाहिए या यहां लगने चाहिए ये बता पाता हूं, लेकिन कंप्यूटर की उतनी कोई खास महारत मेरे अंदर नहीं है। हाँ यह लिखनी है तो भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन आपको ये भी एहसास हो चुका होगा कि नेहा हमारे यहाँ जो करती हैं और जो हमारी लेखनी को और हमारे विजुअल्स को एक पिरोती हैं एक तरह से, और उस पिरोनेपन में बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारी मेहनत लगती है, उसके पीछे उसका विजुअल इम्पैक्ट डालना, किसी विजुअल को डल करना, किसी विजुअल को उस जगह पे साउंड इम्पैक्ट को बढ़ाना, बाइट कौन सी कहाँ पर लगेगी, किस जगह पे कौन सी म्यूजिक का टेम्पो ऊपर नीचे करना, ये सारी चीज़ें ये इस जगह से कर रही हैं, इस बंद कमरे से स्टूडियो से कर रहे हैं, हम तो ग्राउंड पे प्रैक्टिकली जो समझते हैं उसको लिख पाते हैं, लेकिन बंद कमरों में भी इस तरह का एहसास
और बंद कमरों से भी इस तरह की बातें एक मैच्योर लेवल की बातें हैं और इन बातों को आप तक पहुंचना चाहिए था, इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की कि विश्व पत्रकारिता दिवस है और अभी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता, हमारे भारत देश की हिंदी पत्रकारिता का भी दिवस मनाने जा रहा है। तो पत्रकारिता का धर्म क्या होता है, पत्रकारिता के एक्चुअल उसूल, एक्चुअल काम करने का तरीका क्या होता है, उन विषयों को आप तक पहुंचाएं। और साफ तौर पर नेहा जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमसे आपसे बातचीत की, और हमारे अंदर कोई अगर पत्रकारिता में कोई कमी होगी तो आप समय समय पर हमें मार्ग दिखाते रहेंगे, आशा करते हैं। यह बातचीत आपको कैसी लगी, इस बातचीत के बारे में जरूर लिखिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा। और हाँ, एक चीज और, टीआरपी के अलावा अन्य खबरें भी होती है, उनको भी आगे बढ़ाइए, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बहुत से लोगों को काम आएगा। और कमेंट, आपके विचार का स्वागत है, एपी न्यूज सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।